दुष्कर्म कर पति को पीटा, नाबालिग को बनाया बंधक, शराब पीने के विवाद में युवक की हत्या, दो गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। यवतमाल में घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म करने के बाद महिला के पति की पिटाई कर जाने से जान से मारने की धमकी देने का मामला द्वारका थाने के रामगांव हरू में सामने आया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ज्योति उर्फ ज्योतिराम चौहान निवासी रामगांव हरू ने गांव के पीड़ित महिला के घर में घुसकर जबरन दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी दी है। इस दौरान पीड़ित महिला दुकान से घर लौटने के बाद आरोपी घर के बाहर निकलते हुए दिखाई दिया। इस समय पीड़िता के पति ने आरोपियों के घर में आने का कारण पूछा तो तभी मारपीट कर वहां से भाग निकला। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। नाबालिग को बंधक बनाया। वर्धा के बाहर खेल रही 12 वर्षीय नाबालिग को झांसा देकर बंधक बनाकर रखा गया। खोजबीन शुरू के बाद गांव में बवाल मच गया। यह घटना देवाली तहसील के सोनगांव बाई में घटी है। इस प्रकरण में पीड़िता की मां की शिकायत पर देवली पुलिस ने आरोपी रवि चौहान को गिरफ्तार किया है। गांव ग्राम पंचायत के चुनाव होने सभी लोगों का मतदान केंद्र की ओर ध्यान था। ऐसे में आरोपी घर के बाहर खेल रही नाबालिग को झांसा देकर घर ले गया। इसी दौरान पीड़िता के परिजनों ने खोजबीन शुरू की थी तो वही आरोपी को गिरफ्तार किया है। शराब पीने के विवाद में युवक की हत्या, दो गिरफ्तार। यवतमाल जिले के हालगांव स्थित खेत में बांस से पिटाई करके प्रहलाद जाधव की हत्या कर दी गई है। दो दिन पूर्व हुए इस मामले में मृतक की पत्नी की शिकायत की गई थी, जिसके आधार पर दो लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। प्रहलाद जाधव की हत्या में चेतन राउत व राजू ठाकरे निवासी मुंडुक टेकड़ी शामिल है। विस्तृत इस प्रकार शराब पीने को लेकर आरोपियों का प्रहलाद से विवाद हुआ था। उसके बाद आरोपियों में खेत में ले जा गए और वहां बांस से पिटाई कर दी और उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए